देखो क्या बढ़िया कार पार्किंग है। डोरेमोन का घर भी इधर ही है। कल आऊंगा डोरेमोन के घर, आज शाम को शिनचैन के घर जाना है। जियोगोका श्राइन एकदम अलग सी फीलिंग आ रही है, कितना शांत है यहाँ पे सब कुछ। कितना सही है। जियुगाओका श्राइन है, अब तक जितनी श्राइन देखी है उसमें से सबसे मस्त मुझे यही लगी। इसका कलर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ब्राइट है। वो श्राइन की एंट्रेंस है, जियुगाओका की शायद स्टैचू है। देखो यहाँ पर भी ऐसे छोटी छोटी मूर्तियाँ लगा के और रख के पूजा करते हैं, काफ़ी जगह है ऐसी इस पूरे एरिया में, काफ़ी सारे एरिया में जियुगाओका सेंटर। Thank you.
म्यूजिक सिखाने वाले स्टोर हैं और काफ़ी सारे बुटीक फैशन ब्रांड्स हैं जो लोगों ने अपने खुद के फैशन हाउसेस खोल रखे हैं। उन सब के काफ़ी स्टोर हैं हर कोने में। बड़ी गाय लगी है ऊपर तक, वो देखो पूरे स्टोर में गाय लगाई है। यहाँ पे मिल्क की सामान से बनी चीजें मिलती है, पर सर्दी बहुत है तो आइसक्रीम खा के करूंगा क्या। और क्या क्या आइटम ड्रिंक्स है, मिल्क शेक्स, केक, काफी मस्त मस्त सामान है। टोक्यो के जिस भी नए एरिया में जा रहा हूँ वहाँ लग रहा है ये रहने के लिए बहुत बढ़िया है, ये रहने के लिए बहुत बढ़िया है। सारे एरियाज एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे नहीं, एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। इंडोर शॉपिंग का एटमॉस्फेयर है पूरा, यहाँ से गेट खुलता है। अलग अलग फ्लेवर्स की क्या स्मेल आ रही है, कोई कॉफ़ी की सेंट है और कोई खाने की, इतने मस्त खुशबू, बहुत सही एरिया है।